एलईडी फैलीडी लगाने का चक्कर खत्म हो। 120 रुपया खर्च करके आप बाइक का रोशनी दो गुना बढ़ा सकते हैं। एलईडी अभी काफी कम दिखाई दे रहा है, आपको रोशनी काफी कम है। देखिए उस बल्ब से रोशनी कई गुना। हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्रो बाइक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हीरो का जो स्प्लेंडर प्लस बाइक है या स्प्लेंडर प्रो है, इन सभी बाइक में रोशनी के लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ठंड के मौसम में तो इतना रोशनी कम रहता है कि आप लोग को सड़क भी नहीं दिखाई देता है। हीरो का बाइक में रोशनी के लेकर प्रॉब्लम है और बहुत बाइक का अपेक्षा हीरो में रोशनी के लेकर प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को पता होगा। सभी कस्टमर को भी पता है कि हीरो का बाइक में लेकर रोशनी के लेकर प्रॉब्लम है। जो हमारा बाइक में जो ये जो हैलोजन बल्ब लगा है, इसमें आपको दो तीन तरह का हैलोजन बल्ब आता है, तो आप लोगों को नहीं हम बाइक में फिट करने के लिए बतलाएंगे एलईडी बल्ब, या कई बाइक में देखेंगे साइड से नेम प्लेट पे एक लाइट लगा जाता है, तो एलईडी वाला बिल्कुल छोटा सा लाइट लगा, वो भी लाइट आपको फिट करने के लिए, हम कोई भी लाइट फिट करने के लिए नहीं बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट के अंदर आपको एक हैलोजन बल्ब लगाना है, उससे आप बाइक का रोशनी दो गुना ज्यादा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 125 से 30 रुपए आपको प्राइस पड़ेगा बल्ब का। आप लोग के मार्केट में क्या प्राइस है वो मुझे नहीं मालूम है, और आपको मैकेनिक कॉस्ट जो लग जाए 50-100 जो लग जाए मैकेनिक कॉस्ट, लेकिन बल्ब का भी प्राइस कम बेसी होते रहता है, तो प्राइस पे हम ज्यादा डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स देखिए, एक जो बल्ब होता है हेडलाइट के अंदर जो कंपनी का रिकमेंड कंपनी से लग के आता है, वो आता है 35-35, एक हाई आता है एक लो आता है, और दोनों जो फिलामेंट है, देखिए इस बल्ब के अंदर दो फिलामेंट है, एक लोअर है एक अपर है, एक हाई हुआ एक लो है। जो हमारा हाई वाले बल्ब है वो भी 35 वाट का है, जो लो है जो डीम है वो भी 35 वाट का है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक जो हमारा बल्ब आता है वो आता है यहाँ पे शायद आपको लिखा हुआ दिखे, एक देखिए 35-35 वाट 12 वोल्ट 35-35 वाट है, जो हमारा कंपनी से लग का तो 35-35 वाट का बल्ब है, जो अभी इस बाइक के अंदर भी लगा 35 वाट का बल्ब लगा है। ये आपको फोमेक्स कंपनी का, आप यहाँ पे देख रहे हैं फोमेक्स लिखा हुआ है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। फ्रेंड ये जो हमारा बॉस का बल्ब है, ये है आपको देखिए 100 और 90, यानी कि 100 वाट और 90 वाट जो बल्ब है, ये आपको हो गया जो हमारा फोर व्हीलर आता है, ट्रैक्टर आता है, उन सभी बाइक के लिए 190 बल्ब है। अगर इस बल्ब को हम बाइक में फिट कर देंगे फिर रोशनी दब जाएगा, रोशनी कम जाएगा, प्रॉपर रोशनी अच्छा नहीं होगा। तो इस बल्ब को आपको क्या करना है, साइड ही कर लेना है। बॉस में भी आता है 35-35 वाट का, तो चलिए हम इस बल्ब को आपको साइड कर लेते हैं। बॉस को जो आता है हमारा देखिए ओसराम का है, ये भी आपको ओसराम का मिल जाएगा, बॉस का मिल जाएगा, फिर फोमेक्स का मिल जाएगा। और ये जो बल्ब है हमारा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 45 और 40 वाट हाई लो जो हमारा है वो एक है 45 वाट और एक बल्ब है जो हमारा 40 वाट है। तो चलिए इस बल्ब को हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं ओपन करके। देखिए आपको जब भी आप बल्ब को बाहर निकालते हैं तो पीछे से इस बल्ब को ठेपी को इस तरह से पकड़ना है, न कि आपको बल्ब को इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से अगर आप पकड़ रहे हैं बल्ब को, हमारे जो इस उंगली का जो फिंगर है देखिए यहाँ पे शीशा के ऊपर फिंगर का निशान है, उंगली का फिंगर का निशान आ गया बल्ब पे। इसके प्रॉब्लम क्या हो गया, जब भी आप बाइक का लाइट जलाइएगा उस टाइम आपके रोशनी में छाही देगा, धुंधलापन दिखाई देगा। जब अगर खुदा न खास इस तरह से अगर आप बल्ब को पकड़ लेते हैं, उस टाइम आपको करना है कि इस तरह का एक तो फ्रेश पेपर ले लेना है, पेपर ले, इसको अखबार भी बोल सकते हैं या आप इसको पेपर बोल सकते हैं। इस तरह से आपको इस पर रख करके इसको अच्छा से सफाई कर लेना है। देखिए अब इसके ऊपर जो भी फिंगर था, टोटल फिंगर का जो प्रिंट था, इस तरह से हमारा उंगली का जो फिंगर का निशान है वो रिमूव हो गया। कंपनी से लग के जो आया है क्या है 35-35 वाट, हाई भी 35 है लो भी 35 है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक जो है यहाँ पे ओसराम का वो एक है 40 और 45 वाट। तो अभी हम क्या करेंगे, 35-35 जो बल्ब हमारे बाइक में लग के आया उसको खोल करके सेट कर लेंगे और उसमें फिट कर देंगे कौन, ये 40 और 45 वाट। थोड़ा वाट बढ़ेगा तो थोड़ा रोशनी भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सोच रहे हैं कि उसके जगह हम 190 लगा देंगे तो क्या होगा, होगा क्या, देखिए बाइक का जो आर्मेचर कोयल का जो वोल्ट बनाने का प्रक्रिया है वो उतना वोल्ट नहीं बना पाएगा, उसके ऊपर से रोशनी डाउन हो जाएगा। तो उतना ही वाट ज्यादा कीजिए जितना चल सके बाइक में। तो अगर प्राइस का बात कर ले तो देखिए यहाँ पे 40 और 45 वाट जो बल्ब है उसका प्राइस का 125 रुपये MRP है। एक बार 35-35 वाट बल्ब फिट नहीं करके आप 40-45 वाट बल्ब आप फिट कर सकते हैं, उसके बाद आप एक बार रोशनी को चेकअप कर सकते हैं। तो बल्ब आपको दिखला 40 और 45 वाट का जो बल्ब दिखला, उस बल्ब को हम फटाक से कर देते हैं सेटिंग, हमने ओपन कर लिए हैं। अगर उसके बाद यहाँ पे बात कर देखिए, हेडलाइट बहुत बैग में यहाँ से 4 नट, 2 नट लेफ्ट साइड में रहता है, 2 नट राइट साइड में रहता है 10 mm का, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 12 mm का बोल्ट लगा जिसपे हेडलाइट टेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक
एरो का निशान दे देंगे ताकि हेडलाइट का एडजस्टिंग हमारा ऊपर नीचा न हो। नहीं तो ये जो कट जो दिख रहा है इस वाले पॉइंट पर आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, कोई भी एक जगह आपको अच्छा से आपको निशानी दे देना है ताकि हेडलाइट एडजस्टिंग ऊपर नीचा न हो। देखिए हमारा फाइनली हेडलाइट जो है तो खुल करके बाहर आ गया। और यहाँ पे देखिए, चलिए हम फटाक से कैप को यहाँ से ओपन कर लेते हैं होल्डर को। उसके बाद देखिए, अगर आपके बाइक में कैप नहीं रहेगा तो भी आपका बाइक का रोशनी खराब होगा। कैप को ओपन कर लिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे हेडलाइट का बल्ब जो है उसको लॉक करने के लिए यहाँ पे एक लॉक लगा है। ये हमारा फाइनली बल्ब खुल करके बाहर आ गया। और यहाँ पे देखिए ये लगा है 35-35 वाट का बल्ब। तो फ्रेंड्स देखिए बल्ब जो है हमारा जल रहा है, अगर इसके अंदर डालेंगे देखिए रोशनी अभी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है आपको, रोशनी काफ़ी कम है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हेडलाइट को ऑफ कर लेते हैं और यहाँ से इस बल्ब को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। ये जगह हम फिट करेंगे कौन सा, 40 और 45 वाट का जो हमारा बल्ब है हैलोजन बल्ब, वो भी हैलोजन था और ये भी हैलोजन है। और इसमें देखिए सेटिंग कर दें और इस बल्ब का रोशनी देखिए उस बल्ब से कई गुना ज़्यादा है। आप देखिए उस बल्ब से रोशनी कई गुना ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ 120 रुपया खर्च करके आप बाइक का रोशनी दो गुना बढ़ा सकते हैं। एलईडी फेलईडी लगाने का चक्कर खत्म हो गया। अब चलिए अब हम इसमें यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं, इस लॉक को यहाँ पे कर लेते हैं सेटिंग। सॉरी फ्रेंड, देखिए हेडलाइट का काम फाइनली कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ जलाते हैं, देखिए रोशनी अब हो गया ना पहले से ज़्यादा। देखिए जैसे थ्रोटल देंगे देखिए रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया। देखिए यहाँ पे पहले की अपेक्षा ये जो हैलोजन बल्ब हमारा 40 और 45 वाट उसमें रोशनी ज़्यादा मिलेगा। जो हमारा 35-35 वाट का बल्ब है उससे ज़्यादा रोशनी मिलेगा 40 और 45 वाट के बल्ब में। तो फ्रेंड्स इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।